वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास स्टूडेंट्स। हम लास्ट यूनिट पेपर की इसकी पढ़ रहे हैं, फोर्थ यूनिट, और इसमें हम सीड के बारे में आपको जानकारी दी मैंने पिछले वीडियोस में। हमने एनाटॉमी ऑफ सीड देखा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड्स देखे, और आज हम इस वीडियो में डिस्पर्सल स्ट्रेटजीज ऑफ सीड देखेंगे कि सीड जो है बन जाता है तब वह किस प्रकार से स्प्रेड होता है, किस प्रकार से डिस्पर्स होता है। एक एक जगह जहाँ प्लांट ग्रो कर रहा है और फ्रूट है, उसमें सीड्स प्रेजेंट हैं, तो वो किस प्रकार से अपने आप को फैलाएगा और नई जगह तक किस प्रकार से पहुँचेगा, उसके डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट वेज हैं जिनके कारण कि सीड डिस्पर्स होता है। कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज हैं जो कि हेल्प करती हैं सीड के डिस्पर्सल में, उन्हीं के बारे में इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। तो डिस्पर्सल के चार तरीके हो सकते हैं जिसके कारण सीड जो है फैल सकता है, सीड स्कैटर हो सकता है और वो आराम से वहाँ पर ग्रो हो सकता है। तो पहला तरीका है बाय विंड, जिसको एनीमोकोरी कहा जाता है। अगर बाय वाटर डिस्पर्सल होता है देन इट इज़ हाइड्रोकोरी, अगर बाय एनिमल्स होता है तो ज़ूकोरी, और अगर प्लांट खुद उसे किसी मैकेनिकल तरीके से डिस्पर्स करता है तो ऑटोकोरी। तो ये चार तरीके हैं, ये चार एक्सटर्नल एजेंसीज हैं जिनके कारण कि सीड का डिस्पर्समेंट होता है। सबसे पहले बाय विंड देखते हैं। ये जो चित्र है इसमें आप देख रहे हैं चारों जो तरीके हैं वो दिखाए गए हैं। फर्स्ट अगर आप देखते हैं इधर, तो ये बाय विंड है जिसके अंदर की सीड जो है बड़ा फेदरी लाइट होता है, तो विंड की सहायता से वह एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है। दूसरा है एक्सपल्जन, जो कि प्लांट बाय इट्सेल्फ जो था उसके द्वारा होता है, और इसके अंदर किसी न किसी प्रेशर से, किसी मैकेनिज्म से प्लांट के फ्रूट का वॉल्व वगैरह फट जाता है या उसमें स्लिट क्रिएट हो जाता है, और बहुत दूर तक जो है फोर्स के कारण ऐसा होता है, तो बहुत दूर तक भी सीड्स स्कैटर होते हैं। तीसरा है थ्रू एनिमल्स, कि कुछ आप देख रहे हैं कुछ हुक्स या स्टिकी आप स्पाइंस वगैरह अगर प्लांट के सीड पे प्रेजेंट होते हैं तो वो इजीली एनिमल्स पे चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। चौथा है वाटर, जिसमें कि आप देखते हैं कि वाटर जो मीडियम है वो कैसे सहायक होता है सीड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए, तो इसमें सीड जो है वह फ्लोटिंग टाइप का होना चाहिए, ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। अब हम एक एक जो एजेंसी है उसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है डिस्पर्सल बाय विंड, कि हवा की सहायता से किस प्रकार से सीड स्प्रेड होते हैं। तो रिक्वायरमेंट ये है कि हवा की सहायता से जो भी सीड डिस्पर्स होते हैं वह छोटे होते हैं साइज़ के अंदर, हल्के होते हैं, ड्राई होते हैं और डस्टी होते हैं, ताकि आराम से वह एयर की सहायता से बहुत दूर तक जा सकें। तो ऑर्किड्स के जो सीड्स होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं, जैसे कि छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं उसी प्रकार के होते हैं। सिनकोना के जो सीड्स हैं वो भी बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और विंग्ड होते हैं। बहुत सारे सीड्स में आप देखेंगे विंग्स पाए जाते हैं जिससे कि वह ईजीली स्प्रेड हो सकें। पैराशूट मैकेनिज्म कई सारे सीड्स में पाया जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि फ्रूट जो है, कुछ सीड्स और फ्रूट्स में भी कुछ अपेंडेजेस पाए जाते हैं जो कि एक्ट करते हैं पैराशूट की तरह। जब भी आप देखेंगे कि पैराशूट से अगर किसी को नीचे उतरना है, लैंड करना है, तो वह पैराशूट जो है वह एयर के अंदर उसको एयर भर जाती है और हेल्प करता है एक तरीके से उसको नीचे लाने में। उसी प्रकार से यहाँ पर फ्लोट करने में, नीचे लाने में मतलब फ्लोट करके एयर के थ्रू वह नीचे आ जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी सीड जो है वह फ्लोट करता है विद द हेल्प ऑफ दैट पैराशूट अपेंडेजेस। फिर एक टर्म आपने सुनी होगी पैपस। पैपस क्या है? एक मॉडिफिकेशन है जो प्लांट है उसमें कंपोजिटी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उसमें आप देखेंगे कि जो फ्लावर में जो कैलिक्स होता है वह रह जाता है और वह अपेंडिज की तरह एक्ट करता है, जिसको पैपस कहते हैं, और वह हेल्प करता है प्लांट को डिस्पर्स होने में। पैपस जो है थोड़ा सा डिफरेंट अपीयरेंस का है, बहुत लार्ज होता है, कई केसेस में लाइट होता है और
सीड को वो फ्लोट करके रख सकता है लंबे समय तक, जैसे कि सोंकस के अंदर ऐसा देखा गया है। फिर एक और मैकेनिज्म है कॉमा, जो कि टफ्ट ऑफ हेयर्स है। बहुत सारे आपने देखे होंगे कई सीजन में आपको हेयरी कुछ सीड्स जो है उड़ते हुए नज़र आते हैं, वाइट वाइट हेयरी सीड्स नज़र आते हैं, तो वो एक तरीके से टफ्ट है, गुच्छा है हेयर्स का, जो कि एक पूरा क्राउन के जैसे, मुकुट के जैसे बनाता है, जैसे कि कैलोट्रोपिस सीड्स के अंदर होता है। एलिस्टोनिया में दो टफ्ट पाए जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स हैं एपोसाइनेसी और एस्कल्पीडिएसी फैमिलीज के, जिनके अंदर की ये हेयरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि हेल्प करता है उसको एयर में फ्लोट करने के लिए। ये देखिए आप कुछ आप कह सकते हो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग सीड्स हैं जिनके अंदर, किसी में आपको विंग्स दिख रहे हैं, जैसे ये है इसमें आपको विंग्स दिख रहे हैं, किसी में आपको हुक्स दिख रहे हैं, इसके अंदर आपको हेयर्स पैपस दिख रहा है, हेयरी क्राउन जैसा दिखाई दे रहा है, इसमें भी आपको स्पाइन टाइप के दिखाई दे रहे हैं, हुक्स दिख रहे हैं, ये स्टिकी स्पाइन जैसे दिखाई दे रहे हैं, ग्लैंड्स हैं जो कि स्टिकी सब्सटेंस जनरेट करती हैं। तो ये इस तरीके के ये बहुत सारे ऐसे अडेप्टेशंस हैं, या ऐसे आप कह सकते हो सीड्स में इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं कि ये आराम से फ्लोट कर सकें और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। इसी के अंदर आप देखेंगे हेयरी आउटग्रोथ जो है सीड की कवरिंग पे, जैसे कॉटन सीड्स हैं उनमें पाया जाता है। कईयों के अंदर प्लांट में जो स्टिग्मा, आपने पढ़ा होगा स्टिग्मा है, स्टाइल है, और नीचे कार्पल जो पहले ओवरी है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसमें जो हेयर स्टाइल होता है वह हेयरी होती है और वो रह जाती है बाद तक भी, सीड में भी, जैसे कि क्लिमेटिस के अंदर, नारवेलिया के अंदर, एनीमोन के अंदर, तो वो भी हेल्प करती है उसको फ्लोट करने में। कुछ बलून टाइप परसिस्टेंट कैलिक्स हैं जैसे कि फाइसैलिस में पाए जाते हैं, वह भी फ्लोटिंग के काम आती है। ये तो हमने अलग अलग तरीके बताए। अब विंग्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, कई फ्रूट्स और सीड्स में पाए जाते हैं, जो कि उसको वही फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि मोरिंगा ऑलिफेरा के अंदर, ऑरोजाइलम इंडिकम में, सिंकोना में, इनमें सब में विंग्स होते हैं, जो कि जो कवरिंग होती है सीड की, टेस्टा जो मैंने आपको बताया था कवरिंग होती है, उससे बनते हैं, उससे डेवलप होते हैं। ऐसे ही सेमरोइड फ्ला जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे सोरिया रोबस्टा के हैं और कई मेंबर्स हैं, उनमें परसिस्टेंट सेपल्स रह जाते हैं, मतलब कि सेपल्स रह जाते हैं बाद तक, झड़ते नहीं हैं और वो विंग्स का रूप ले लेते हैं। ऐसे ही समेरा फ्रूट्स हैं, ड्रोसेरा के अंदर है, एसर के अंदर है, इनमें भी विंग्स डेवलप हो जाते हैं बाय फ्रूट पेरिकार्प, जो कवरिंग है फ्रूट की, पेरिकार्प जो है उससे विंग्स डेवलप होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इन सभी चीज़ों से आप देख रहे हैं कि फ्लोटिंग में हेल्प मिलती है, और बेसिकली काम क्या है कि सीड एक जगह से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचेगा। तो फ्लोटिंग में जो भी आप इनका इक्विपमेंट मान सकते हो, या इनका कुछ ऐसा ऑर्गन मान सकते हो इन सीड्स के अंदर, कि जो कि इनको हेल्प करता है। इसी प्रकार से कई सीड्स के अंदर सेंसर मैकेनिज्म पाया जाता है, कई फ्रूट्स के अंदर, जहाँ पर कि फ्रूट जो है वो सीड बाहर निकालेगा, डिस्चार्ज करेगा फ्रॉम स्मॉल ओपनिंग, और वो कब होगा जब उसमें उन फ्रूट्स के अंदर कहीं पे डेहिसेंस होता है, फटते हैं, वह कैप्सूल फटता है, और वो मैकेनिज्म होता है कि एयर से वो हिल रहे हैं, तो वो जो शेकिंग मूवमेंट होता है उसके साथ ही सीड्स जो है बाहर निकल जाते हैं। तो आर्जीमोन के अंदर आपने देखा होगा, पॉपी सीड्स के अंदर, पॉपी के अंदर, पेपेवरेसी फैमिलीज के मेंबर के अंदर, इनमें सब में ये मैकेनिज्म पाया जाता है। इसी तरीके का स्पेशल टाइप ऑफ डेहिसेंस जो है वो हम कई पेलिकन शेप्ड फ्लावर्स जैसे एरिस्टोलोकिया गिगेस में देख सकते हैं और एकोनाइटम में देख सकते हैं। तो इस प्रकार का रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं हिलते वो फ्लावर्स, लेकिन वो थोड़ा रेस्ट्रिक्शन के साथ में जो मूवमेंट होता है उससे सेंसर बेस्ड मूवमेंट उसको कहा जाता है। उस मूवमेंट के बाद थोड़ा सा स्लिट फॉर्म हो जाता है और डिस्चार्ज में सीड्स बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही ये हमने सारा पढ़ा था विंड से, कि हवा की सहायता से किस प्रकार सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते हैं। दूसरा अगर हम इसमें देखते हैं तो दूसरा आपको दिखेगा डिस्पर्सल बाय वाटर, कि वाटर की सहायता से, पानी की सहायता से कैसे मूव। तो पानी की सहायता से वही फ्रूट्स या सीड मूव करेंगे जो कि प्लांट्स पानी के पास
पाए जाते हैं, जैसे कि कोकोनट। अब जो कोकोनट है या और भी जो सीड्स हैं, उनमें क्या चीज़ें, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो वाटर के साथ में मूव कर सके? एक तो वो वाटर प्रूफ होने चाहिए, सॉल्ट रेजिस्टेंट होने चाहिए और बॉयंट होने चाहिए, मतलब जो तैर सके। तो जैसे कोकोनट की अगर बात करते हैं, तो उसके अंदर आप देखते हो फाइब्रस मीजोकार्प ऊपर पाया जाता है, हार्ड एंडोकार्प होता है कोकोनट में, जिसके कारण कि वह सूटेबल है कि वो पानी की सहायता से डिस्पर्स हो सके, क्योंकि वाटर प्रूफ हो गया, सॉल्ट रेजिस्टेंट हो गया और फ्लोट भी कर सकता है, बॉयंट हो गया, इसलिए वह बहुत आराम से डिस्पर्स आउट हो जाता है। ऐसे ही कुछ हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं या एक्वाटिक प्लांट्स हैं, जो कि जैसे कि वाटर लिली है, एलिस्मा है, सेजिटेरिया है, जो कि बहुत, जिनमें कि सीड्स बहुत लाइट होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं और इजीली फ्लोट कर सकते हैं पानी में। बहुत कई सारे सीड्स ऐसे हैं जिनके अंदर स्पॉन्जी एरिल्स पाए जाते हैं, जो कि फ्लोटिंग में सहायता करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी वाटर से वाटर को मीडियम बनाएगा फॉर फ्लोटिंग या फॉर डिस्पर्सल, तो वो वाटर प्रूफ होने चाहिए, सीड्स लाइट होने चाहिए जो तैर सकें, और सॉल्ट रेजिस्टेंट होने चाहिए। अब आते हैं डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि ग्रेजिंग, चरने के लिए कहीं पे घास वास और पेड़ पौधों के पास आते हैं, तो वो भी सीड्स के लिए एक बहुत बड़ा मीडियम होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए। जैसे बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, गिलहरी जो हैं, स्क्विरल्स हैं, मंकीज़ हैं, इनके द्वारा भी सीड्स का डिस्पर्सल पॉसिबल होता है। एंट्स जो हैं, चींटियाँ जो हैं, वो बहुत सारा सामान एक एक जगह से दूसरे पर ले जाती हुई आपको दिखाई देती हैं, तो बहुत बार बहुत सारे सीड्स को भी वह डिस्पर्स करती हैं। इवन ह्यूमन बीइंग्स भी डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, लेकिन उनका रोल बहुत कम होता है। बहुत सारे इकोनॉमिक प्लांट्स जो यूज़फुल प्लांट्स हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह पे लाया गया। बहुत सारे एक्जॉटिक प्लांट्स जो कि बाहर उगते हैं, हमारे देश में नहीं पाए जाते थे, लेकिन क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स को अच्छे लगे या उनकी कोई ऑर्नामेंटल है या कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, कोई यूज़फुल है मेडिसन्स के लिए कोई कैसे, तो उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया, जिसके कारण कि वहाँ पर वो स्पीसीज ग्रो होने लगी। मान लीजिए कोई जिसका यहाँ इस देश का नेटिव प्लांट नहीं है, किसी और देश से आया गया, लेकिन यहाँ के इन्वायरमेंट पे भी वो सूट कर सकता है, तो यहाँ पर भी उसको ग्रो किया जा सकता है, तो सीड के रूप में लाया जा सकता है, प्लांट के रूप में लाया जा सकता है, तो एक तरीके से डिस्पर्सल उसका हो जाता है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी आप डिस्पर्सल इस तरीके से देख सकते हो। अब फ्रूट्स और सीड्स जो हैं, क्योंकि ग्रेजिंग एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स के साथ आ गए, तो इनके अंदर कुछ ऐसी खासियत होती है, कैसे आ पाते हैं ये? या तो कोई ऐसे अपेंडेजेस होते हैं या कोई स्टिकी सिक्रीशन इनमें से निकलता हो जो कि चिपक जाता हो एनिमल्स के, तो वो चीज़ हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं। तो बहुत सारे सीड्स और फ्रूट्स के अंदर हुक्स होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, स्टिफ हेयर्स होते हैं, जो कि जब भी कोई एनिमल पास में आता है तो उनके बॉडी पे या ह्यूमन बीइंग के क्लोथ पे चिपक जाता है। जैसे कि फ्रूट ऑफ जेंथियम देख सकते हो, अर्ना देख सकते हो, ये हुक्स इनके अंदर होता है, जिसके कारण कि इजीली ये डिस्पर्स हो जाते हैं। प्यूपेलिया फ्रूट्स जो होते हैं, वो बंच ऑफ हुक ब्रिस्टल्स पाए जाते हैं, मतलब हुक्स वगैरह पाए जाते हैं, स्टिफ हेयर्स पाए जाते हैं, जो कि इजीली स्टिक कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं डिस्पर्सल के अंदर। बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर से बुरहैविया है, क्लियोम है, इनके अंदर स्टिकी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि कुछ ऐसा सब्सटेंस निकालती हैं जो कि चिपक जाता है एनिमल्स से और फिर वह डिस्पर्स हो जाते हैं सीड। तो ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं, कोई प्लांट कहीं पे, कहीं का ओरिजिनल उसमें प्लांट कहीं और किसी देश में पाया जाता था और उसे ह्यूमन बीइंग लेके आ गया, तो वो कई दूसरी जगह पे भी आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से डिस्पर्सल जो है, उसके कई तरीके हो सकते हैं। अब लास्ट जो है इसमें, वह है डिस्पर्सल बाय प्लांट इटसेल्फ, कि कोई और एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, प्लांट खुद ही अपने सीड्स डिस्पर्स करता है। तो उसका क्या तरीका होता है कि बहुत जोर से, बहुत फोर्स से अगर फ्रूट्स जो हैं वह डिहाइस होते हैं, मतलब फटते हैं, तो फटने के साथ साथ ही सीड जो है बहुत दूरी तक जाते हैं, और अगर बहुत दूर वो चले गए तो एक तरीके से वह फैल गए, अपना फैलाव उन्होंने खुद ही कर लिया, उन्हें कोई एक्सटर्नल एजेंसी की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो बहुत ग्रेट फोर्स के साथ
डिस्पर्स होते हैं, सीड जो है बहुत जर्क के साथ बहुत दूर उछल के चले जाते हैं और वो डिस्पर्स हो जाते हैं, जैसे कि ऑक्जैलिस में, इम्पेटेंस के अंदर। अगर आपने हाथ भी लगाया उसको और अगर वो मेच्योर फ्रूट है तो वह फट जाएगा, उसकी वॉल्स बेंड हो जाएंगे और सीड्स जो हैं वो फोर्सफुली बाहर निकल जाएंगे। ऐसे ही राइप पॉड्स ऑफ एब्रस है, पी है, बीन्स हैं, क्लिटोरिस है, ये भी सडनली फटती हैं और सीड्स को फैला देती हैं, स्कैटर कर देती हैं। कुछ एकेंथेसी फैमिली के कुछ फ्रूट्स हैं जो कि बर्स्ट होते हैं, दो वॉल्व में फट जाते हैं और सीड्स उसमें से बाहर निकल जाते हैं। जैसे इस चित्र में भी आप देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के अंदर डिस्पर्जन दिखाया है। यहाँ पर जैसे स्लिट स्लिट हो गया और ये सीड्स बाहर निकल गए, ये इस तरीके से यहाँ सीड्स रह गए, ये इसकी कवरिंग जो है ये हट गई, फोल्ड हो गई, है ना, ये दो स्लिट में चले गए और ये इसके अंदर ये सीड्स बाहर निकल गए। तो ऐसे करके बहुत सारे तरीके हैं जिनके कारण कि सीड्स जो हैं डिस्पर्स आउट होते हैं। आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि सीड डिस्पर्सल के लिए अगर कोई एजेंसी यूज़ की जा रही है तो वो सीड किस प्रकार का होगा। जैसे कि अगर विंड को एजेंसी के रूप में माना जा रहा है तो इसका मतलब वो एयर में फ्लोट कर सके, सीड सीड का साइज़ छोटा हो, है ना, तो वो फ्लोट कर सकता है, भारी होगा तो फ्लोट नहीं कर पाएगा। तो सीड का साइज़ छोटा हो और इजीली फ्लोट कर सके, मान लीजिए उसमें विंग स्ट्रक्चर हो, हेयर्स हो, इस तरीके का सीड हो। फिर वाटर के थ्रू है तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर वहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब वो सीड वाटर प्रूफ होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, या उसमें कोई बॉयंसी, तैरने का तरीका उसमें कुछ होना चाहिए ताकि वह तैर के दूसरी तरफ में कहीं पर भी स्प्रेड हो सके। फिर हमने देखा एनिमल्स के थ्रू, तो एनिमल्स के थ्रू सीड्स इस प्रकार का हो कि उसमें कुछ स्टिकी सब्सटेंस निकलता हो तो वो चिपक जाए सीड, या उसमें कोई स्पाइन्स हों, स्टिकी हेयर, स्टिफ हेयर्स हों, हुक्स हों, जिसके कारण कि सीड जो है वह ट्रांसफ़र हो जाए। चौथा हमने पढ़ा कि प्लांट इट्सेल्फ, मतलब कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, तो उसके अंदर कोई फोर्सफुली वॉल्व फटें तो सीड उसके बाहर निकल सकते हैं। इवन कई बार टच करने से भी वॉल्व फट जाते हैं और सीड बाहर निकल सकते हैं। तो प्लांट खुद, उसको कोई एक्सटर्नल एजेंसी की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ती, प्लांट खुद रिस्पॉन्सिबल होता है कि वह कुछ ऐसा मैकेनिज्म करे जिसके कारण कि सीड बाहर निकल जाए और वह फैल जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक था इस पेपर का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक समरी दे दूंगी कि हमने कितने वीडियोस किए और किन किन यूनिट्स में किस किस टॉपिक का हमने वीडियो किया, ताकि आप बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ जाएं कि हमने जितने सारे वीडियोस करे हैं। आप टॉपिक वाइज अपना मैं सिलेबस भी पोस्ट करूँगी उसमें, और बुक भी आप रेफ़र कर सकते हो, और उसके अंदर सारे वीडियोस देखने से आपकी यूनिट बाय यूनिट आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर वो वीडियो खोल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट यूनिट में कितने वीडियोस मैंने पोस्ट करे हैं, किस किस टॉपिक पे पोस्ट करे हैं, सारे टॉपिक मैंने कवर करे हैं जो भी आपके सिलेबस में था। और फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे कि ये पेपर होने के बाद कि इसमें आपका जो एक पेपर है टेक्सोनॉमी एम्ब्रियोलॉजी, उस पेपर के अंदर आपको एम्ब्रियोलॉजी में फ्रूट वगैरह, ओव्यूल, इनके बारे में बताया। तो क्योंकि आपने अभी यहाँ पे सीड के लिए पढ़ा है तो फ्रूट ओव्यूल वो भी आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। आप पूरा पेपर अच्छे से वीडियोस देखिए, पढ़िए इसको अच्छे से, और जो भी डाउट हो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।